दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आप सबका स्वागत है, आपका दोस्त आपका होस्ट केपी सिंह। दोस्तों मैं जहां आया हूं वो आलीशान जगह, और चलता चलता आ गया हूं। मेरा एक भाई मुझे यहां लेके आया, और आप मेरे पीछे जो शोर देख पा रहे होंगे बोलो आलीशान शोर है। और ये जो जगह है वास्तव में देखने लायक जगह, आप देख पा रहे होंगे पीछे, देखिए क्या इसका लुकिंग है। और चलते कम से कम नहीं तो हम लोग 5 किलोमीटर चल चुके होंगे पैदल चलते चलते आए, और इतना अच्छा लग रहा है कि वास्तव में जंगल के जो शॉट है वो लगते ही हैं। हालांकि गर्मी भयंकर है, और गर्मी भी इतनी है कि पसीने पसीने हो रहे हैं हम लोग, मगर फिर भी इच्छा की कि एक वीडियो बनाई जाए, और वीडियो भी ऐसी जो वास्तव में जिसमें जो नज़ारे हैं वो अल्टीमेट नज़र आएंगे। आएंगे तो पत्थर ही नज़र, मगर देखने लायक जगह। मैं आज तक नहीं आया यहाँ, मैं भी नहीं पहुँच पाया। और ये देखो भाई लोग वो बैठे, देख पा रहे होंगे आप। और भाई लोग हाय करो सब लोग, ये देखिए सब लोग भाई हाय कर रहे हैं। और ये और वो आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं पीछे का, आप नज़ारा देखिए, वो देखो नज़ारा ऊपर आलीशान बड़ी चारों तरफ, एक ये कह सकते हैं कि चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और हम लोग उसके बीच में हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। दोस्तों ये देखो पीछे का जो नज़ारा है, मैं आपको कह रहा था नज़ारा दिखाता हूँ, तो आप देखिए एक एक चीज़ क्या मस्त है और देखने में भी आलीशान है। ये जो नज़ारा है बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे नज़ारे, और हम लोग जब आए ने तो मज़ा आ गया कि वास्तव में हम कहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये नज़ारे शायद मुश्किल मिलते हैं ऐसे देखने को। और मुझे तो इतना मज़ा आया और मज़ा आ रहा है, ये देखिए आप, और बड़े बड़े चट्टान टाइप इसकी पत्थर हैं। दोस्तों आप ये देखिए पीछे जो शॉट दिख रहा है आपको, शॉट आलीशान शॉट है, और जंगल में घूमने आए, और इस शॉट को देख के ही मुझे जो मज़ा आ गया वास्तव में अल्टीमेट शॉट। और ऐसे शॉट बहुत कम मिलते हैं देखने को, और जंगल के हम इतने बीच में हैं जो शायद ही यहाँ तक पहुँच पाए, बहुत मुश्किल से पहुँच पाए यहाँ तक। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो नज़ारा है अल्टीमेट नज़ारा है, और ये जो देख पाएंगे आप ये जो चट्टान है, चट्टान के बीच में होते हुए हम लोग आए हुए हैं काफ़ी उसमें, और ये कह सकते हैं कि सर अल्टीमेट नज़ारा और मज़ा आ गया इसको देखने में। आप देखिए इधर ये साइड में इस तरह से ये जो देख पाएंगे ना, ये कहोगे वास्तव में हम कहाँ आ गए, हम बहुत अच्छी जगह आ गए। और एडवेंचर का जो मज़ा होता है ना वो यही मज़ा होता है, इसे कहते हैं एडवेंचर। और आनंद लेना है ना तो हम लोगों को यहीं आना पड़ेगा जंगल के अंदर, और ये बीच जंगल में रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच में ये शॉट मज़ा आ गया, मुझे तो अल्टीमेट खुशी है। दोस्तों जंगल में पानी पीने का तरीका कितना गजब तरीका है, और ये निकाला है वास्तव में जंगल में इस तरह से पानी पिया जाता है। ये देखिए आप हमारा भाई पानी पी रहा है, और ये अल्टीमेट तरीका है पानी पीने का, इसको कह सकते हैं कि क्या बात है। देखो पानी कहाँ से आ रहा है, मज़ा आ गया। ये इसे बोलते हैं तरीका पानी का, ये देखो वेरी गुड, क्या बात है अल्टीमेट, मज़ा आ गया। पानी का किस तरह से पानी पिया जा सकता है, बहुत नीचे करो उसको, छोटी सी बाटो ही नहीं, अब कोई ने कर दियो यार फिर हटाओ आपका ऊपर खड़ी ये में मजा आ गया पानी पी के, और जंगल जंगल का जो नजारा है वास्तव में यूँ कह सकते हैं कि जब पहाड़ियों में आते हैं और पानी जैसा मिलता है वैसा पीना पड़ता है। ये एडवेंचर है वास्तव में, इसे कहा गया एडवेंचर, और एडवेंचर का आनंद ही अलग है। और देखो ये लड़ रहे हैं सब लोग कि पानी तेज आ रहे हो और कौन आ रहे हो, ये देखो अब पानी आ गया तेज, और मैं तो पी लेता हूँ भाई, ने आदमी भूखो प्यासो नहीं मरे ये कोरा में खास भरया हूं पीएं जो नहीं, अब सो भी जाए आदमी आराम से। हां सुती डकेले डके खूब न्या तो दा खूब रसोई करा
अभी तो कहाँ यार, अब व्यवस्था ये रेंज की वजह से खराब हो गया। इस रास्ते को मत पढ़ो। भाई ट्रैकिंग हो रही है, देखो भाइयों पीछे देखो, ये हमारे साथी लोग आ रहे हैं और हम जंगल में से कैसे कहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए बड़ा काफ़ी गहरा जंगल है, विशाल जंगल है, और कहाँ कहाँ से हम निकल पा रहे हैं आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, पीछे देखिए आप, और बहुत घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि निकलना ही बड़ा मुश्किल है यहाँ से। और कहीं कांटे आ रहे हैं, कहीं क्या क्या आ रहा है पता नहीं है। और ये बहुत घना जंगल है दोस्तों, बिहार जंगल। ये देखिए जंगल कितना घमासान जंगल, जंगल ही जंगल है साथ। ये देखिए सामने आलीशान पेड़ बरगद का, और ये हमारा आगे टाइगर चल रहा है। टाइगर भाई दिख रहा है ना,